Hey guys, welcome back to my channel. मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, वॉइन द रेंजर आपके सामने हूँ और आज मैं फिर एक हिंदी में व्लॉग बनाऊँगा हाइकिंग पे और मैं फॉरेस्ट के बाहर ही हूँ और मैं जा रहा हूँ इस समय अंदर. ये काफ़ी फेमस फॉरेस्ट है मेलबर्न का. इसका नाम है डैनोंग रेंज नेशनल पार्क. काफ़ी बड़ा है ये और यहाँ बहुत खूबसूरत जानवर मिलते हैं. तो होपफुली आज हमें कुछ दिखेगा. तो आप प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें. टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लेट्स गो. तो ये नेशनल पार्क की एंट्रेंस है, आप कार देख सकते हैं और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है. ये देखिए फार्म्स हैं सामने. काफ़ी बिजी टाइम है इस समय, 4 बजे हैं शाम के. जो वो साइड है वो जाती है शॉप्स की तरफ और जो ये साइड है ये जंगल की तरफ जाती है. तो हम चलते हैं अब जंगल में. तो इस फॉरेस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ है. यहाँ पर एक सुपर्ब लाइव बर्ड मिलती है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है और ये बर्ड सब चीज़ की आवाज़ कॉपी कर सकती है. मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी होती है देखने में. यहाँ इसकी फ़ोटो बनी हुई है. तो जो लाइव बर्ड है वो ये है, देखिए काफ़ी खूबसूरत बर्ड है और ये ऑलमोस्ट खतरे में आ गई थी, इंडेंजर्ड हो गई थी फायर के बाद. यहाँ पर बुश फायर हुई थी कुछ साल पहले, लेकिन बहुत अच्छी बात है यहाँ लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड बर्ड्स इज नाउ इंक्रीजिंग. आप देख सकते हैं. तो हम चलते हैं इस फॉरेस्ट के अंदर. तो ये फॉरेस्ट की एंट्रेंस है. मैंने आपको बाहर एक बोर्ड दिखाया था, डैनोंग रेंज नेशनल पार्क. ये काफ़ी बड़ा पार्क है और यहाँ पर लोग पिकनिक के लिए भी आते हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट के बाहर है, ये अंदर नहीं है. तो स्पेशली बच्चों के साथ अगर कोई आना चाहे फैमिली तो यहाँ पर बैठ सकते हैं. और ये जो आप देख रहे हैं ये गेट है पार्क का, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ऑर्गेनाइज होता है. तो हम जा रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर इस समय. ये सारा फॉरेस्ट है, काफ़ी घना फॉरेस्ट है. और यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर जो ये ट्रैक देख रहे हैं आप, इसकी रिपेयरमेंट होती रहती है. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, कुछ करते नहीं है, बहुत अच्छा काम करते हैं. यहाँ पर जहाँ पैसे लगने चाहिए वहीं लगते हैं. होपफुली हमें आज वॉलबी दिखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैं वॉलबी दिखा नहीं पाया था, क्योंकि वॉलबीज होते हैं क्रेपस्कुलर होते हैं, जो शाम में निकलते हैं और शाम से लेके सुबह तक एक्टिव रहते हैं और यही टाइम होता है बेस्ट टाइम उनको देखने के लिए. बहुत ही खूबसूरत. मैंने इस पार्क का एरिया को दिखाया नहीं अभी तक, यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्क है. वाइल्ड लाइफ लवर्स और नेचर लवर्स के लिए तो ये परफेक्ट प्लेस है. तो जैसे मैंने बोला कि वाइल्ड लाइफ लवर्स और नेचर लवर्स के लिए ये बेस्ट प्लेस है. काफ़ी सेफ है यहाँ पर. यहाँ पर स्नैक्स नहीं होते, इस एरिया में स्नैक्स नहीं होते, तो ये अच्छी बात है. लेकिन यहाँ पर फिर भी ये खतरा ये होता है कि यहाँ काफ़ी पेड़ गिरते हैं. मैं आपको बहुत पेड़ दिखा सकता हूँ यहाँ गिरे हुए हैं. तो ये होती है प्रॉब्लम. यहाँ कुछ टाइम पहले शायद 25 ईयर्स अगर यहाँ पर एक छोटे बच्चे के ऊपर पेड़ गिर गया था, तो उसकी याद में यहाँ पर एक बेंच बना गया है, उस पर उसका नाम लिखा हुआ है, तो एज अ मेमोरी उस छोटे बच्चे के लिए. तो हाँ, तो जो मैं आपको मैंने बताया कि वॉलबीज होते हैं और किडनास भी होते हैं. किडनास तो बहुत ही रेयर है देखना. यहाँ मुझे अगर कितना दिख जाए तो मैं अपने को बहुत लकी मानूंगा. काफ़ी पेड़ गिरे हुए हैं, आपको मैंने दिखाया था, बताया था कि पेड़ गिरे हुए हैं. आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पेड़ गिरे हुए हैं. तो हम चलते हैं. तो आप ये जो पेड़ देख रहे हैं ये माउंटेन ऐश ट्री है. ये ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट फ्लावरिंग ट्री है. ये जगह देखिए बीच में, यहाँ पर इजीली यहाँ पर 2-3 लोग फिट हो सकते हैं. और अगर जंगल इंडिया में होता है जंगल में, तो यहाँ पर इजीली एक स्लॉथ बेयर बैठ सकता था. काफ़ी घना जंगल है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है. ये फर्न ट्रीज हैं ये सामने जो आप देख रहे हैं.
तो हम चलते हैं आगे। तो मेरे पास में एक वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल इतनी बड़ी नहीं है, काफ़ी छोटी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कैसे बहती है, कैसे इसकी आवाज़ आती है। तो हम चलते हैं इसको देखने। थोड़ा नीचे है तो मुझको नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा। और यही एरिया है जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लायबर्ड्स दिखती हैं। ये लायबर्ड्स का आप गढ़ मान सकते हैं। तो जो वाटरफॉल्स है उसका रास्ता यहाँ से है, आप यहाँ से नीचे जा सकते हैं। ये वाटरफॉल इतनी बड़ी नहीं है, काफ़ी छोटी है। मैं तो शायद इसको वाटरफॉल भी नहीं कहूँगा, मैं इसको एक कैस्केड कह सकता हूँ जो हल्का सा बहता है। ये ब्रिज है यहाँ पर, काफ़ी लोग यहाँ सिर्फ यहाँ इस वाटरफॉल को देखने आते हैं। यहाँ पर पानी की अच्छी आवाज़ है। ये काफ़ी आपको आवाज़ मदहूस कर देती है, ये पानी की आवाज़। ये नीचे यहाँ बहती है। और ये सारा जंगल है, बहुत खूबसूरत। अब हम ऊपर चलते हैं वापस यहाँ से। तो गाइस, होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। ये मैंने आपको एक नेचर कम वाइल्ड लाइफ ट्रिप दिखाई है। और हर बार हम लकी नहीं हो सकते कि हमें वाइल्ड लाइफ दिखे, लेकिन अगर दिख जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो आप प्लीज़, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही हिंदी में वीडियोज़ बनाते रहूँगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फ्रॉम रॉय द रेंजर।